तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केलांग अस्पताल को 60% बजट देगी केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिया आश्वासन। जयराज सरकार के प्रपोजल पर केलांग में अत्याधुनिक मेडिकल उपकरणों से लेस नए अस्पताल के भवन निर्माण पर केंद्र सरकार 60% बजट देने को तैयार है। वह केलांग पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लाहौल के पंचायत प्रतिनिधियों को यह आश्वासन दिया है। वे बता दें कि केलांग बोर्ड से जिला परिषद सदस्य कुंगा बोध के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को मांग पत्र सौंपा। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर राज्य सरकार की ओर से नए अस्पताल भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव उनके पास आता है तो केंद्र सरकार भवन निर्माण के लिए 60% बजट मुहैया करवाने को तैयार है। हिमाचल भवन के बाद रेस्ट हाउस का किराया बढ़ाया, सुबातू और डंगार कॉलेज का अधिग्रहण रद्द। हिमाचल के सुखमिंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ मंत्रियों विधायकों के साथ ही अफसरशाही में नाराजगी और बढ़ गई है। इसका कारण सुक्खू सरकार के आए दिन लिए जा रहे कड़े फैसले हैं। हालांकि ये फैसले आम और खास के बीच के फर्क को खत्म कर रहे हैं, लेकिन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को बिल्कुल नहीं भा रहे हैं। वह सुक्खू सरकार ने पहले हिमाचल भवन दिल्ली चंडीगढ़, हिमाचल सदन दिल्ली, विलेज पार्क के कमरों का किराया बढ़ाकर 1200 रुपये किया। अब हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस के कमरों का किराया भी बढ़ा दिया है। वे बता दें कि सर्किट हाउस में रुकने पर अभी भी आईपी को भी 600 रुपये किराया देना होगा व रेस्ट हाउस में प्रति कमरा 500 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को कसरत तेज, कैबिनेट से अप्रूवल मिलते ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजा प्लान। जे कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। वही कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद अब प्लान को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेज दिया है। ऐसे में अथॉरिटी से सम्मति मिलते ही सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देगी और उसके बाद भूमि अधिग्रहण सहित तमाम सारी औपचारिकताएं शुरू हो जाएंगी। वही बता दें कि प्रशासन ने इस प्रक्रिया के लिए पूर्व योजना के आधार पर एक सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया है, इससे पूरी प्रक्रिया को आसानी से और जल्द पूरा किया जा सके। वही बता दें कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। वही उपायुक्त ने बताया कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से संबंधित कार्रवाई को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने जिला कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। अब YouTube पर प्रश्नों का जवाब, श्रद्धालुओं को मंदिर से संबंधित मिलेगी जानकारी। जो उत्तरी भारत के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर द्योटसिद्ध के YouTube पेज बाबा बालकनाथ द्योटसिद्ध पर प्रश्नों का जवाब निरंतर श्रद्धालुओं को मिलता रहेगा। यह पहल बाबा बालकनाथ मंदिर के नवनियुक्त चेयरमैन रोहित शर्मा द्वारा करवाई गई। बताते चला कि बहुत सारे श्रद्धालु बाबा बालकनाथ मंदिर के YouTube पेज पर प्रश्न करते थे, परंतु मंदिर की तरफ से उनका जवाब नहीं दिया जाता था। अब चेयरमैन रोहित शर्मा ने निर्णय लिया है कि मंदिर के हेड पुजारी सुनील बिट्टू द्वारा श्रद्धालुओं के सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। वे बता दें कि प्रश्नों को जब मंदिर के YouTube पर लाइव सेशन चलेगा तब सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। वे श्रद्धालुओं को मंदिर के बारे में भी समय पर अवगत करवाया जाएगा, जिसका शुभारंभ 29 जून को मंदिर प्रशासन द्वारा करवाया गया। जयराम का कांग्रेस पर सियासी तंज, कहा सुक्खू ऐसे सीएम जिन्होंने अपने नाम पर ही शुरू कर दी योजना। जयपुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कुल्लू दौरे के दौरान यहां सुक्खू सरकार की सुखाश्रय योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने आते ही अपने नाम पर योजना शुरू कर दी। यही नहीं, जनता से झूठ बोलकर सत्ता भी हासिल की है। वे बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहां देव सदन कुल्लू में बीजेपी मंडल के संयुक्त मोर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए यह शब्द कहे। उन्होंने कहा कि हम शांत नहीं बैठेंगे। 6 माह तक हम देखते रहते थे कि कांग्रेस सरकार कुछ अच्छा करेगी, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ भी ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि इस सरकार में सुख किसको मिल रहा है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। वही फिलहाल तो मंत्री व सीपीएससी सुख प्राप्त कर रहे हैं। वह चुनाव से पहले जो वादे जनता से किए गए थे, उन 10 गारंटी को सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। वही महिलाएं इंतजार कर रही है कि 1500 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार हम पर ऋण लेने का आरोप लगाती थी, लेकिन अब मात्र 6 माह में 8000 करोड़ ऋण ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह करके यह सरकार सत्ता में आई है। यूरिया पैकेज की घोषणा से चंडीगढ़ के किसान गदगद, अरुण सूद को गुलदस्ता भेंट कर किया सम्मानित। जो चंडीगढ़ के किसानों ने विशेष यूरिया पैकेज की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए शुक्रवार को चंडीगढ़ के मनी माजरा इलाके के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद को बाजरा, मक्की, ज्वार से बना गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं बता दें कि अरुण सूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को कर और नमी कोटिंग शुल्कों को छोड़कर 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम की बोरी की सम्मान कीमत पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया का सब्सिडी योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। वहीं बता दें कि पैकेज में 3 वर्षों 2022-23 से 2024-25 के लिए यूरिया सब्सिडी को लेकर लगभग 3,70,000 करोड़ आवंटित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह पैकेज हाल ही में अनुमोदित 2023-24 के खरीफ मौसम के लिए 38,000 करोड़ रुपये की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के अतिरिक्त है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के इस निर्णय से किसानों को यूरिया की खरीद के लिए अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे उनकी इनपुट लागत को कम करने में मदद मिलेगी।
15 जुलाई को आएगा सीयूटी यूजी 2023 का रिजल्ट, ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकेंगे चेक। जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि यूजी के नतीजे 15 जुलाई तक घोषित होने की संभावना है। वह रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट मैंने cuet.samarth.ac.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। बता दें कि रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी। हालांकि एनटीए और यूजीसी प्रमुख की पूर्व घोषणाओं के मुताबिक रिजल्ट परीक्षा समाप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर जारी किया जा सकता है, पर अभी तक एनटीए की तरफ से रिजल्ट जारी करने को लेकर किसी भी निर्धारित तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। इस्तेमाल की भूमिका मौजूदा सरकार हाईकोर्ट के आदेश 6 हफ्ते में पैमाइश 2 महीने में करे भुगतान। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने 28 साल पहले रोहडू पारसा सेकल सड़क निर्माण के लिए इस्तेमाल की भूमि का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने कहा कि भूमि का इस्तेमाल करने के बाद सरकार द्वारा मुआवजा देने से मुकरने की कार्रवाई ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। वहीं कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार को सड़क के लिए इस्तेमाल की गई जमीन का मुआवजा याचिकाकर्ता भू मालिक को भू अर्जन अधिनियम 1894 के तहत आते हुए अदा करना होगा। वहीं प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रार्थी बलवंत सिंह की याचिका को स्वीकारते हुए कहा कि सरकार देरी से मुआवजे की मांग करने को आधार बनाकर मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती। वह कोर्ट ने सरकार पर 10,000 रुपये की कॉस्ट भी लगाई। वह खंडपीठ ने पाया कि सरकार ने रोहडू पारसा सेकल सड़क के लिए इस्तेमाल की गई भूमि का मुआवजा प्रार्थी को नहीं दिया है। उपायुक्त की मेहनत रंग लाई, अब बिलासपुर के बांदला से उड़ान भरेंगे मानव परिंदे, सरकार ने दी मंजूरी। जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिलासपुर जिला की बांदला धार से पैराग्लाइडिंग करने की साइट को हरी झंडी दिखा दी है। इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद अब बांदला धार से भी प्रदेश भर के प्रशिक्षित पैराग्लाइडर बाहरी पर्यटकों को हवा की सैर करवा सकेंगे। वहीं बता दें कि दशकों से बिलासपुर की बांदला धार को पैराग्लाइडिंग की साइट घोषित करने को लेकर चल रहे प्रयासों पर आखिर उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक की मेहनत रंग लाई है। वहीं बता दें कि कुछ समय पहले ही पर्वतारोहण संस्थान मनाली की तरफ से एक टीम ने प्रशासन व निदेशक की अगुवाई में बांदला साइट का विजिट किया था। चलिए वो चलता है शाम की आखिरी खबर। 48 घंटे में सड़कों की 200 शिकायतें दर्ज, व्हाट्सएप पर लोक निर्माण विभाग को खराब रोड की फोटो भेज रहे लोग। जिन लोक निर्माण विभाग की आपात नंबर पर शिकायतों की झड़ी लग गई है। वह नंबर जारी करने के शुरुआती 2 दिन में ही 200 से अधिक शिकायतें विभाग के पास पहुंच चुकी है। वह खास बात यह है कि जिन लोगों ने शिकायतें दर्ज की है उन्होंने सड़कों की बदहाल स्थिति के फोटो भी सजा किए हैं। वह साथ ही जल्द से जल्द इन सड़कों की मरम्मत का आह्वान किया है। वह गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश भर में सड़कों की खराब हालत को सुधारने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। वह बता दें कि विक्रमादित्य सिंह ने 9317900663 नंबर जारी करते हुए लोगों से क्षेत्र में खराब पड़ी सड़कों के फोटो और जानकारी व्हाट्सएप करने का आह्वान किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वे इस नंबर के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों की निगरानी खुद करेंगे। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे जल्द से जल्द इन सड़कों की मरम्मत करें। हमें बता दें कि बरसात की वजह से लोक निर्माण विभाग को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। दोस्तों आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।